रोड पे चल रहे हैं, ये तो ग्राउंड है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो रोड पे आप चल रहे हैं मेन रोड पे, ठीक है, और आगे से आपको एक भैंस दिखता है और एक गाय दिखता है, तो आप वो दोनों में से किसको मारिएगा? भैंस को। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं बाइक सीखने के लिए। एक्चुअली मेरे को नहीं सीखना है, इनको स्कूटी सीखना है। मतलब एक कहावत है हम लोगों के यहाँ पे कि बाबू होने से पहले झुनझुना खरीद लिया जाता है, वही हाल हुआ है मेरे साथ में। देखिए इनको चलाने नहीं आता है बाइक वाइक कुछ भी अभी, लेकिन फिर भी देखिए गाड़ी पहले ले चुके हैं और सीखने आज बाद में आ रहा है। तो आज इनको ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं कैसे चलाना है कैसे करना है, तो चलिए थोड़ा सा इनको बता देते हैं। और ये फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हैं, तो चलिए इनको पूरा बता देते हैं और इनको सिखा देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि बाइक को ठोक के लेनी का देनी पड़ा दी। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। यही देखिए ये पोजीशन ले चुके हैं और सबसे पहले देखो करना क्या है, इसको बता रहे, ठीक ना, ये जो है ये क्लच है, ठीक है, इसको ऐसे दबा के रखना है, ठीक ना, इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको ये है, इसको जो है इसको घुमाने के बाद ये देखो इसको ऐसे लेने लोगे ना, जितना ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा स्पीड ये चलेगा, ठीक ना। इसको ऑन है, ठीक है, उसको दबा देना है, ठीक ना, क्लच दबाने के बाद ये एक्सीलेटर लेना है, ठीक ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो ये स्टार्ट करने वाला है, ठीक ना, यहाँ पे मीटर बताएगा, इससे कोई मतलब मत रखना। ये लाइट है जो कि आगे जलाना है, तो ये तो चलाने के बाद पहले चलाने के लिए सीख जाए, और ये हॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर लेना, वो तो चाबी है, वो तो वहाँ पे चाबी ऑन करना है, ठीक है। हाँ, इसको स्टार्ट करो, ये यहाँ पे ऑन है, चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए इसको से, हाँ उसको हर स्टैंड, हाँ स्टार्ट कीजिए, इसको घुमाइए थोड़ा, क्लच एक्सीलेटर लीजिए, धीरे धीरे उसको छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए उसको, और इसको लेते जाइए धीरे धीरे, पैर ऊपर कीजिए, हाँ ठीक है ठीक है, जाइए जाइए जाइए, हाँ उसको लीजिए, उसको थोड़ा ज़्यादा कीजिए, और इसको हाँ वैसे के लिए बढ़ाइए आगे, धीरे 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 धीरे, वैसे नहीं अचानक से नहीं करना है, धीरे धीरे करना होगा, ठीक ना, अचानक से करोगे तो घूमेगा नहीं ना उतना, तो नहीं तो सीधे करो ना, ऐसे ऐसे चल जाओगे, ठीक ना, घुमाओ धीरे 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 धीरे, गाड़ी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, धीरे 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 धीरे। देखिए इनसे चल नहीं रहा, देखते हैं इनको। तो गाइस देखिए ये ट्राई कर रहे हैं, हम खुद नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि अगर हम बैठेंगे तो ये सीख नहीं पाएंगे, ठीक ना, इसीलिए इनको खुद छोड़ दिए हैं और साथ में ही हैं। देखिए कैसे ये चला रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट करो, लेफ्ट घुमाओ घुमाओ, बाएं घुमाओ, नहीं तो सीधे चल जाओगे, ठीक है, चलो चलो। तो गाइस देखिए ये चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो वो होना ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छा तो नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए ठीक है ठीक है, घुमा, देखिए मिशन सक्सेसफुल हो गया है। देखिए मतलब प्रैक्टिस करते करते ये सीख जाएंगे, अभी फर्स्ट टाइम है इसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आज इनको पूरा सिखा ही देंगे, कल से इनको मार्केट जाना होगा तो दिक्कत होगा, इसके चलते आज शाम तक किसी भी हाल में कंप्लीट करवा देंगे। भाई देखिए इनको ट्राई करवा रहे हैं, देखते हैं शाम तक इनको कंप्लीट करवा ही देंगे। चलो ऐसे करो, धीरे धीरे जाओ, ठीक है, वैसे घुमाते जाओ। देखिए मिशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब चला लेंगे, कोई चलाना बड़ा चीज़ नहीं, पैर मत रखो, धीरे धीरे वैसे ही करते चल जाओ। एक्चुअली जो सीधा होता है वो नहीं चलवा रहे हैं, सीधा आराम होता है चलाने के लिए, लेफ्ट ये जो मोड़ने वाला है इसी में इनको दिक्कत होता है, हर किसी को दिक्कत होता है, तो ये चलाना लेफ्ट से चलाते हैं अगर मोड़ मोड़ के, तो उसमें ज़्यादा आसानी से ये सीख पाएंगे। रुक जाओ, देखिए अब बैठ के इनको ट्राई करवाते हैं चला पाते हैं कि नहीं, तो चलिए चलाइए, स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, चलिए छोड़िए थोड़ी धीरे धीरे उसको, अरे ऐसे नहीं उसको अच्छा से, नहीं संभाल पा रहे ना, हाँ, तो संभालना होगा। तो देखिए कैसे ये चलाते हैं, दिखाते हैं पूरा, ठीक है, देखिए धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा धीरे धीरे, अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है इनको। गाइस देखिए मिशन सक्सेसफुल हो गया है, धीरे धीरे ये निकाल रहे हैं आगे में, और इतना 40 दिखा रहा है ना, 10 दिखा रहा है, देखिए हो गया लगभग लगभग,
रोड पे लाए हैं इनको। अगर मान लीजिए कि किसी को सीखना होगा तो सबसे पहले आपको देखिए ये लीजिएगा, ठीक है। इसको लेने के बाद इसको क्लच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है से आपका लाइट है, जो कि आप नाइट में इसका यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कम बेसी का है, ठीक है। और ये आपका साइड वाला जो लाइट है, अगर टर्निंग में अगर आप कहीं जाते हैं तो उसको आपको टर्न करते जाना है, ठीक है। और ये आपका हो गया साउंड, हो गया, इससे आप लोगों को साउंड बजेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मीटर वगैरह दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे ऑयल वगैरह शो करेगा आपको, और टोटल चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और ये आपका ईबीएस है, इसको अगर ऑन रखते हैं तो गाड़ी को बिना मतलब स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसे ऑफ रहता है तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्विच है जो कि स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ मिरर वगैरह दिया हुआ है, तो चलिए फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। आगे बढ़ जाएगा। हाँ तो आगे बढ़ेगा, तो इसे लेके इधर से लेके आइए ना, पीछे कीजिए, ठीक है, इसको पीछे कीजिए। देखते हैं इनको शाम तक आज पूरा सिखा देना है तो सिखा देना है, ठीक है। अब चलाइए 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 चलाइए, चलिए लीजिए उसको, चलिए धीरे धीरे बढ़ाइए आगे, वो अपने बढ़ेगा, उसको लीजिएगा तो, ठीक ना, उसको हाथ, ठीक है ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, चलते जाइए वैसे धीरे धीरे। तो गाइस ये स्कूटी चलाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, काफ़ी इजी है, लेकिन लोग डर जाते हैं, डर से चला नहीं पाते हैं, लेकिन मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। वैसे ही घुमाते रहिए, गोले गोले घुमाते रहिए, धीरे धीरे, पैर से मतलब संभालना ज़रूरी है, ठीक ना। पैर जहाँ भी अगर नहीं चल पाए वहाँ पे पैर से रोक लीजिएगा, ठीक ना। और ब्रेक हमेशा ब्रेक मारना, ठीक ना, वो पैर से नहीं रोकना, पैर से नहीं रुकेगा वैसे, नहीं पैर से नहीं रुकता है, ठीक है ना, पैर से रुकेगा तो गिर जाएगा। चलाइए चलिए आगे बढ़िए, तो गाइस गरीब देखिए बहुत ज़्यादा देर हो गया हम लोग को, लगभग इनका प्रैक्टिस हो ही गया है, और धीरे धीरे ये सीख जाएंगे, ठीक ना। तो चलाइए 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 चलाइए, कीजिए कीजिए ना कीजिए, मोड़ काटिए उतना में चल जाएगा, खुद से जब तक नहीं चलाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे, मोड़ काटिए, लेफ्ट आओ, काटिए लेफ्ट में आओ, चलिए चलिए घुमाइए। ये गाइस घूमते घूमते ये कहाँ चले गए, पता चलेगा कि पहाड़ में ही कूद गए, उधर जाते जाते काफ़ी एरिया इधर ख़राब भी है, पहाड़ी वाला एरिया है। घुमाइए उधर से घुमाइए, अरे घूमेगा घूमेगा, बंद करके घुमाइए, नहीं घुमाने आ रहा है तो पीछे अब करके घुमाइए। देखिए फिर अब आ रहे हैं उधर से, लगभग इनका कंप्लीट अब हो ही जाएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इन लोग कर लिए, ठीक है। अब ये मार्केट में अब चलाना सीखेंगे, क्योंकि इधर हाथ सफाई करने के लिए इनको लाए थे, और मार्केट में जब तक नहीं चलाएंगे हाथ फ्रेश नहीं होगा, फील्ड में चलाना कोई बड़ा बात नहीं है, इधर काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन भीड़ में थोड़ा सा समझदारी से चलाना रहता है। तो लगभग इनको टोटल चीज़ बता दिए हैं, और एक्सपीरियंस धीरे धीरे मतलब करते करते ही पूरा हो पाएगा, तो ज़्यादा शाम भी होगा तो घर भी अब हम लोग चलेंगे। कीजिए कीजिए, अरे वैसे नहीं, हाँ उसको करते जाइए वैसे, बस ध्यान देना है ब्रेक वगैरह लेने में, ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। और ब्रेक कब लेना है, ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक नहीं लेना है, अगर ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से लेंगे तो मतलब गिर जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे ही घुमाते रहिए, अरे घुमाइए ना 10 राउंड तब ना, सिंपल में कुछ मज़ा नहीं है, जब तक राउंड इधर उधर नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा। करो करो पूरा लंबे एकदम जितना हो सकता है, सबसे पहले डर हटाना होगा, डर नहीं इन लोग को लगता है, डर जब तक नहीं हटेगा नहीं चलेगा। नीचे मत देखो, सामने देखो, सामने चक्का तर मत देखो कि मतलब यहाँ कहाँ जा रहा है। स्पीड में अभी चलने वाला थोड़ी है, सीखला के बाद स्पीड चलना रहता है, राउंड मारो जितना हो सकता है। गाइस देखिए लगभग सक्सेसफुल हो जाएगा, 2-3 घंटा का मेहनत अभी है, लगभग देखिए शुरू में और अभी में देखिए कितना अंतर आ रहा है। शुरू में ये क्लच भी नहीं छोड़ पा रहे थे, और अब देखिए कुछ राउंड ये मतलब मार ले रहे हैं, और मिलते हैं थोड़ा सा कुछ देर में इनको, अच्छा से और बता देते हैं उसके बाद। काफ़ी देख सकते हैं मतलब लगभग कम्प्लीट होने वाला है, बाकी तो है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट वाला बात हो जाता है। तो गाइस लगभग 2-3 घंटा किचकिच होने के बाद लगभग मतलब उतना तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा चला रहे हैं, मतलब मार्केट में ये नहीं जाएंगे अभी, मार्केट में मतलब प्रैक्टिस अभी फील्ड में ही करना होगा इस टाइप का, उसके बाद ही जा पाएंगे। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना क्लच छोड़ने वाला, वो वाला मतलब इनका अच्छा हो गया है, अब ये थोड़ा कर सकते हैं, तो लगभग हो ही गया है, अब हम लोग चलेंगे घर पर। लेकिन जाने से पहले कुछ इनसे पूछते हैं क्या सीखे हैं, क्या चीज़ हुआ है, तो थोड़ा सा बात करते हैं इनसे।
आपको तो पूरा लगभग लगभग चलाने आ गया है, ठीक ना। मतलब आप इधर तो चला ले रहे हैं, रोड पे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, तो थोड़ा सा इनसे पूछते हैं क्या ही बताते हैं, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, ये तो ग्राउंड है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो रोड पे आप चल रहे हैं, मेन रोड पे, ठीक है। और आगे से आपको एक भैंस दिखता है और एक गाय दिखता है, तो आप वो दोनों में से किसको मारिएगा? भैंस को। भैंस को मारिएगा? नो नो, भैंस no, को no, नहीं मारना रहता है, ब्रेक को मारना रहता है, ठीक ना। अभी इनका लगता है कि उतना अच्छा समय हुआ है, देखिए भैंस को मारने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ब्रेक मारना है वहाँ पे, मतलब गाय बैल को किसी को नहीं उड़ाना है, ब्रेक वहाँ पे मारना है, ठीक है। अगला बार तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक मारिएगा, ठीक है। और इसी तरह से इनका देखते हैं, मतलब एक दो दिन में मतलब मार्केट में भी ये चलेंगे। अभी तो ये भैंस को मारने की बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इनको लेट से ही ले जाएंगे मार्केट में, नहीं तो भैंस को मारेंगे सब चला जाएगा, गाड़ी भी टूट जाएगा, अपने तो हाथ पैर टूटेगा ही, वो अलग से ही, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे।